हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे फ्रोजन मटर। इसे साल भर के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं। इन दिनों में मटर सस्ती और बढ़िया आ रही है, जो पकी हुई होती है बड़े बड़े दाने की, वो आ रही है। तो आप पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं और आपको जब भी मन करे तो आप निकालें और अपना इस्तेमाल करें और फिर उसी में रख दें। तो चलिए गैस के पास चलते हैं। ये हमने मटर 1 किलो ली है। तो यहाँ पे हमने 2 लीटर पानी रख दिया भगोने में। पानी अच्छा सा गर्म हो गया है और ये चीनी हमने जो ली है, 2 चम्मच चीनी है, इसी में डाल देंगे हम। और ये जो मटर है, मटर को इसी में डाल देंगे। और जब ये मटर ऊपर आ जाएगी तो ये बॉईल हो जाएगी 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट करना है, इससे ज़्यादा नहीं हमें बॉईल करना है। तो ये ऊपर मटर आ गई है, बस हमें यही चाहिए, ऊपर आ गई, इसको हम निकाल लेंगे। मैंने एक बाउल में पानी लिया, इसमें आइस क्यूब डाल लिए हैं। अब सारी मटर हम इसी में निकाल लेंगे छान के। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये मटर को इस तरह से, अब ये मटर इस पानी, ठंडे पानी में डाल देंगे। हमें इसी तरह से सारे मटर को ठंडे पानी में डाल देंगे और इसमें पानी अभी डाल देंगे ठंडा। इस तरह से ठंडे पानी में 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मटर को हमने 5 मिनट के बाद ठंडा करके और इसको निकाल लिया था मटर को। अब इसे हम एक कपड़े पे फैला देंगे जिससे कि इसका पानी सूख जाए। इस तरह फैला देंगे सारी मटर को। मटर को अच्छे से हवा में डाल दिया और ये टिश्यू पेपर लेंगे, इससे हम साफ कर लेंगे, एक बार पोंछ लेंगे पानी को इस तरह से, इसमें पानी ना रहे, जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह गया है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हम जिप बैग लेंगे इस तरह से, तो सारी मटर को हम इसमें भर लेंगे। आप छोटे छोटे बैग भी ले सकते हो। इस तरह से हम इसको पहले यहाँ से इस तरह दबाएंगे, ये लॉक लग जाएगा, और इस तरह से सारे बैग बना के रख लेंगे। चलिए और भी करके देख लेते हैं भर के। तो जिप बैग में हमने इस तरह से भर लिया है इसमें, और आप चाहें तो इसके छोटे जिप बैग भी ले सकते हो। तो आपको जितनी चाहिए हो आप उतनी मटर निकाल लें, आप अपनी यूज करें और उसके बाद में फ्रीजर में रख दें। ये सारी मटर को हम फ्रीजर में रख देंगे, जब भी आपका मन करे पूरी साल के लिए ऐसी ही रहेगी, ख़राब नहीं होगी और इसकी मिठास भी बेकरार रहेगी ऐसे ही। तो आप इसे कभी भी यूज कर सकते हो, इस तरह से बनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू। आप लोग ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।